बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम दमदार प्रदर्शन कर रही है और हाल ही में पाकिस्तान की टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप किया है और बाबर आजम के लिए ये सीरीज जो है वो काफी शानदार रही है। लेकिन वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले गए 3रे वनडे मैच के बाद एक खिलाड़ी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि इस मैच में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने इस खिलाड़ी को बुड्ढा कहा था और उसके बाद एक अलग तरह की चीज देखने को मिली। क्या हुआ और बाबर आजम ने क्यों इस खिलाड़ी को बुड्ढा कहा था, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 3रे वनडे मैच की, जिसमें बाबर आजम ने एक खिलाड़ी को बुड्ढा कह दिया। और खास बात यह है कि यह खिलाड़ी वेस्टइंडीज का नहीं था, ये खिलाड़ी था पाकिस्तान का ही, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं, ये खिलाड़ी थे पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बाबर आजम ने शादाब खान को बुड्ढा कह दिया था। दरअसल क्रिकेट का खेल ही इस तरह का है, कई बार खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक कप्तान को अपने खिलाड़ी से बेस्ट निकलवाने के लिए उसको कुछ कड़वे शब्द भी कहने पड़ते हैं, और यही हुआ था 3रे वनडे मैच में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शादाब खान को बुड्ढा कहा था और उसके बाद उन्होंने दमदार बल्लेबाजी की, अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, और खास बात यह है कि उस मुकाबले में शादाब खान जो है वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। चलिए आपको पूरा वाकया बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 3रा वनडे मैच खेला जा रहा था और इस मुकाबले में शादाब खान जो है वो ठीक से फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से बाबर आजम ने उन्हें बुड्ढा कहा था। अब आप सोचेंगे कि बाबर आजम के ऐसा कहने के बाद शादाब खान ने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कर लिया। दरअसल पहले आपको यह बताते हैं कि शादाब खान ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि बाबर आजम ने उन्हें बुड्ढा कहा था, और क्यों कहा था यह भी शादाब खान ने खुद बताया है। चलिए आपको पहले यह बताते हैं कि शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात क्या कही। शादाब खान ने कहा, बाबर आजम ने मुझे बुड्ढा कहा था, मुझे इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। चोटिल होने के बाद ठीक से फील्डिंग करना मुश्किल होता है, इसीलिए बाबर आजम ने मुझे ऐसा कहा। मैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ज्यादा ओवर फेंकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि चोटिल होने के बाद शुरू में गेंदबाजी करना मुश्किल होता है। उम्मीद है कि मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और सुधार लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखा आपने, शादाब खान ने खुद बताया कि वो ठीक से फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से बाबर आजम ने उन्हें बुड्ढा कहा। अब सवाल ये उठता है कि शादाब खान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड क्यों मिला। दरअसल पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 3रे वनडे मैच में पाकिस्तान की टीम मुश्किल में थी और वहां पर शादाब खान आए और उन्होंने बल्लेबाजी में दम दिखाया और बल्लेबाजी में ऐसी बल्लेबाजी की कि वेस्टइंडीज की टीम जो थी वो चारों खाने चित्त नजर आई। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले गए 3रे वनडे मैच में शादाब खान ने 78 गेंदों पर 86 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। इस मुकाबले में एक समय पाकिस्तान की टीम काफी मुश्किलों में थी, लेकिन शादाब खान की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम 269 रनों तक पहुंच पाई और उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम को उन्होंने सिर्फ 216 रनों पर आउट कर दिया। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि इस मुकाबले में शादाब खान ने गेंदबाजी में भी 4 विकेट चटकाए। पहले बल्ले से रन बरसाए और बाद में गेंदबाजी से विकेट चटकाए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाबर आजम ने अपने साथी खिलाड़ी को बुड्ढा क्यों कहा। दरअसल क्रिकेट में कभी कभी ये कड़वे शब्द जो है ना वो सामने वाले खिलाड़ी को लग जाते हैं और वो फिर वो बेहतर प्रदर्शन करता है, और यही हुआ। बाबर आजम ने अपने साथी खिलाड़ी को बुड्ढा कहा और शादाब खान ने देखिए दमदार प्रदर्शन किया, वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत लिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बाबर आजम ने ऐसा क्यों किया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।